महाराज जी ने कहा कि गोरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, ये सब कार्य संतों के हैं, करने चाहिए, लेकिन अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त जो नियम धर्म है, साधुसाई सदाचार है, वो अवश्य करना चाहिए, अपना नित्य कृत्य अवश्य करना चाहिए। हम लोकोपकार के नाम पर, परमार्थ के नाम पर जो साधन से विमुख होते चले जा रहे हैं, यह बात अच्छी नहीं है। ये बात आपके श्री मुखारविंद से सुनने को मिली थी। अरे भाई, जिसके नाम पर हम साधु बने हैं, ये वेश लिया है, उतना काम, कम से कम एक समय प्रसाद पा सके इतना भजन तो कर ले, ज्यादा ना बने तो। हरिशरणम। तो यदि राजा हमारी बात नहीं मानता तो हम उसको दग्ध करेंगे। इसलिए हमें सत्य, धर्म और सदाचार के बल का संचय अवश्य करना चाहिए। और फिर महात्माओं ने बेन को समझाया। अब क्या समझाया इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि महाराज जी क्रमिक श्रीमद् भागवत का प्रवचन चल रहा है, कई वर्ष हो गए, प्रथम स्कंद से चल रहा है, अब चौथे स्कंद तक पहुंचे हैं, और ये वार्षिक उत्सव है, गोवाराधन महोत्सव, जब तक ठाकुर जी चाहेंगे तब तक ग्रंथ का इसी प्रकार से एक एक श्लोक से विचार करते हुए और भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन हो रहा है। और इसमें बहुत सुख मिल रहा है। सप्ताह में तो बड़ी भागदौड़ होती है, पर ये निष्काम भाव से श्रीमद् भागवत का प्रवचन है। ये एक सप्ताह का, सप्ताह कथा नहीं है, सप्ताह का प्रवचन है, किसी एक प्रकरण क्रम से प्रवचन है। और मूल पारायण भी श्रीमद् भागवत के सविधि हो रहे हैं। कितने, 10 पाठ हो रहे हैं, 11 पाठ, 10 पाठ श्रीमद् भागवत जी के हो रहे हैं। तो मूल पाठ के रूप में ग्रंथ तो पूर्ण हो ही रहा है। अब हम पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में अपनी ओर से, गौशाला की ओर से और आप सब की ओर से साष्टांग वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी अपने मंगलमय वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। जय जय श्री राधे। आय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी। ठाकुर हमरे सदगुरु प्यारे, हम हैं सदगुरु प्यारे के। साधु के
का धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से, की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से, की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया महाराज की जय, सर्व संत हरि भक्तन की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। श्री महाभारत में यक्ष प्रश्न के माध्यम से भगवान श्री व्यास देव ने धर्म निर्णय का समस्त उत्तरदायित्व महापुरुषों के ऊपर रखा है। परिभाषा के हिसाब से वेदोखिलो धर्ममूलम्, धर्म का मूल वेद है। चोदनार्थो लक्षणो धर्मः, वेद जिसकी विधि करे प्रेरणा करे वो धर्म है। अर्थात वेद जिसका प्रेरणा की प्रेरणा न करे वो अधर्म है। प्रेरणा दो प्रकार की है, एक विधि है और एक निषेध है। जहां विधि की जाती है वो कर्तव्य है और अवश्य कर्तव्य है, और जिसका निषेध है वो नहीं करना चाहिए। ये धर्म है। किंतु ये कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय बहुत सहज नहीं है। देश
काल परिस्थिति आदि के अनुसार धर्माचरण की व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए सोमी आजी पशुमाल भेद, ये वेद की विधि है, लेकिन ये विधि मां हिंसा सर्वा भूतानी के बाधिका हो रही है। तो मां हिंसा सर्वा भूतानी ये विधि है कि सोमी याजी पशुमाल भेद ये विधि है। इस प्रकार की अन्य शंकाएं भी होती हैं। बड़ा गुरु गंभीर विषय है धर्म की चर्चा, धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम्, बड़ा गंभीर है। तो इनके स्पष्टीकरण करने के लिए, व्याख्यान के लिए स्मृतियों का आश्रय लिया जाता है। धर्म के निर्णय में वेद का सर्वथा अनुवर्तन करती है स्मृति। वेद विरुद्ध स्मृति स्वीकार नहीं है, मूल तो वेद है, किंतु वेद देश काल परिस्थिति इत्यादि के अनुरूप कर्तव्य कर्तव्य की धर्माधर्म की व्याख्या करती है। लेकिन श्रुतियों में भी देश काल परिस्थिति इत्यादि के अनुसार निर्णय करने में कठिनाई हो जाती है स्मृति वाक्यों को लेकर के भी। याज्ञवल्क स्मृति में कुछ अलग प्रकार से व्याख्या है, मनुस्मृति किसी अन्य प्रकार से व्याख्या कर रही है। तो जब इस प्रकार वहां विवाद आए, वेद का अर्थ पहले स्मृतियों से देख ले, समाधान हो जाए तो उसका पालन करें। यदि वहां भी विषय स्पष्ट नहीं हो रहा है तो जो महापुरुषों के रचित अन्य ग्रंथ है उनका आश्रय करें। दर्शन इत्यादि के माध्यम से भी जो चर्चाएं हुई हैं उनकी धारा का अवलोकन करें। कणाद ने लिखा है, गौतम ने लिखा है, व्यास ने भी सूत्र बनाए हैं, तो उनके अनुसार भी व्याख्या करने की चेष्टा करें। इनमें से कोई भी अप्रमाण नहीं है, किंतु शास्त्रों की भाषा पौर्वापर्य ये केवल षष्ठी प्रतिमा के ज्ञान से नहीं हो सकता है। इसके लिए गुरु परंपरा द्वारा गंभीर अध्ययन और तदनंतर निधि ध्यासन पूर्वक, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, फिर अंतःकरण के द्वारा प्रेरणा पूर्वक निर्णय दिया जाता है। तो जब ऋषियों के भी वचन समाधान न प्रस्तुत कर सके अपनी अल्प सामर्थ्य इत्यादि के कारण, तो निर्देश दिया है धर्मराज के माध्यम से भगवान श्री व्यास जी ने कि जो धर्म का तत्व महान गंभीर है, जिसको समझना समझना सहज नहीं है, तो फिर किसी महापुरुष की सन्निधि ग्रहण करें, शरणागति ग्रहण करें। वो जो निर्देश दें
महाजनो ये न गतः सपंथ। धर्म का आचरण वस्तुतः महापुरुषों के निर्देश के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि महापुरुष देश काल परिस्थिति अधिकार इन सब की तत्काल व्यवस्थिति देख करके उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और निर्णय दे सकते हैं। इसीलिए समावर्तन संस्कार के समय भी जब वटु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा है तो अंतिम उपदेश देते समय भी शिक्षा गुरुदेव आदेश देते हैं, अन्य सब आदेश सत्यम व धर्मम चर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम इत्यादि इत्यादि का वर्णन करने के अनंतर एक बहुत प्रैक्टिकल बात व्यवहारिक बात कही है कि जब तुम समाज में जाओगे कई परिस्थितियां ऐसी होंगी जिनका समाधान तुमको वेदों में स्मृतियों में ऋषियों के वाक्यों में न मिले, क्या करना है ऐसे समय में, किम करणीयम किम अकरणीयम कवियोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान मुश्किल में पड़ जाते हैं। उन्होंने लिखा है समाज में जिनको आदर दिया जाता हो, जो समाज के वंद्य हो, महापुरुष हो, संत हो, यथा ते वर्तेरन तथा तुम वर्ते थ। ये विधि हो गई कि वो जिस तरह से वर्तन करें उस तरह से तुम वर्तन करना। इसीलिए महापुरुषों का आनुगत्य ही वस्तुतः धर्म का मूल है। तो जैसा अभी प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, महापुरुषों के ऊपर ये उत्तरदायित्व तो है कि किम करणीयम किम अकरणीयम इसको बता तो अवश्य दे, फिर अपनी जितना अधिकार हो, अगर शिष्य है तो उसको विशेष आदेश दिया, अगर राजा है तो उसको बता दिया, इतर अपने संत हैं तो उनके संग चर्चा कर ली, किसी के संग चर्चा, किसी को निर्देश, किसी को आदेश इत्यादि प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन जरूर संतों को ब्राह्मणों को, संत माने ब्राह्मण विद्वान, इनको करना चाहिए। उसमें भी वही बात है कि सामर्थ्य का ध्यान रखना है कि आखिर हम किस स्थिति तक जा सकते हैं। हर एक व्यक्ति को आदेश नहीं दिया जा सकता है, हर एक व्यक्ति को निर्देश नहीं दिया जा सकता है, सुझाव भी देश काल परिस्थिति के अनुसार ही देना है। कब उपयुक्त अवसर आया, उपयुक्त अवसर पे कही हुई बात प्रभावशालिनी होती है, यदि उचित अवसर पे नहीं कहा गया तो वो बात प्रभावशालिनी नहीं। तो ये बड़ा गुरुगंभीर उत्तरदायित्व महापुरुषों के ऊपर ब्राह्मणों के ऊपर होता है। वेद में या शास्त्रों में राज्याभिषेक का विधान है, उसकी बड़ी विधि है और जिसका कुछ निर्देश हम लोगों ने श्री रामचरितमानस में भी देखा है, भगवान वशिष्ठ जी ने कैसे कैसे सब व्यवस्थाएं की हैं, राम करो सब संयम आजू इत्यादि। लेकिन जब एक बार वो अभिषिक्त हो जाता है तो राजा के मुख से कहलाया जाता है अदंजोस्मि अदंजोस्मि, अब मैं सर्वोच्च पद पर विद्यमान हूं, इस राष्ट्र का मैं राजा हूं, अदंजोस्मि, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है, सबको दंड देने का अधिकार हमारा है, राजा भी दंड दे ये उसका कर्तव्य है। हम लोगों ने महापुरुषों की कथाओं से श्रवण किया है, दो संत गुरु भाई थे आपस में, तो एक संत अपने गुरु भाई के आश्रम में गए, गुरु भाई थे नहीं, उनके आश्रम में बड़े पके पके आम लगे हुए थे, तो उस गुरु भाई ने आम तोड़ करके और चूसना शुरू कर दिया,
अब बिना अपने जो इनके मालिक हैं बगीचे के उसकी आज्ञा के बिना आम तोड़ करके चूसना ये चोरी है। कितना सूक्ष्म धर्म होता है, ये चोरी है। तब वो गुरु भाई ने कहा, तुमने हमसे बिना पूछे आम खाए हैं, तुमने चोरी की है। वो बेचारा हक्का बक्का होकर सोचा, हम तो अपने भाई के यहां लिए हैं, बिना आज्ञा के लेने का अधिकार नहीं, तुमने चोरी की है। महाराज अब आप कह रहे मैंने चोरी की, तो आप इसका कोई उपाय बताएं। तो उनका उसका अधिकार हमको नहीं है, हमने तुमको बता दिया, लेकिन दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है, तुम राजा के पास जाओ। राजा के पास गया कि हमको हमारे गुरु भाई ने आपके पास भेजा है, हमने उनकी बिना आज्ञा के आम के फल खाए हैं। तो राजा ने तो पहले कुछ इधर उधर किया, लेकिन जब उनका नहीं, मुझे हमारे संत की आज्ञा है कि आप हमको दंड दो, तब राजा ने कहा, अगर विधान की बात है तो आपके दोनों हाथ काटे जाएंगे। चोरी का विधान, दंड का विधान है कि ये दोनों हाथ काटे जाएंगे। तो प्रस्तुत हो गए, ठीक हम तैयार हैं। देखो यहां भी एक सूक्ष्म बात ध्यान रखनी है, राजा का कर्तव्य है दंड विधान करना, दंड देना, पुरस्कृत करना, ये राजा का कर्तव्य है। राजा दंड दे करके जो दंडित व्यक्ति है उसके पाप से उसको विमुक्त करता, प्रक्षालन करता है। जो लोग राजा को धोखा दे करके राज दंड से बचने की कोशिश करते हैं, उनको कितने गुने ज्यादा प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है और उसका दंड उनको और अधिक भोगना पड़ता है। राजा की करुणा है जो वो दंड देता है कि थोड़े में तुम्हारा पाप की निवृत्ति हो जाती है। तो दोनों हाथ काट, दोनों हाथ काट करके और फिर लौट करके आए। राजा ने कहा, ठीक अब तुम पाप से मुक्त हो गए। तो चोर कर्म के पाप से मुक्त हो गए। तो लौट करके गुरु भाई के पास आए, तो उन्होंने कहा, ठीक है तुम ले आए, चलो बड़ा अच्छा हुआ तुम पाप से मुक्त हो गए, अब जाओ संध्या करो। अब संध्या क्या करें, कहां से आचमन, कहां से प्राणायाम, कहां से अर्घ, कहां से तर्पण। पता नहीं आज कितने लोगों को मालूम है कि संध्या के क्या क्या अंग हैं, कितने लोग संध्या करते हैं पता नहीं। पहले तो अगर 3 दिनों तक संध्या न करे तो उसको व्रत्य कहा जाता रहा है तब, लेकिन हम लोग तो अपना कर्तव्य कम से कम कर ही दे। तो अर्घ दिया, सूर्य अर्घ दिया जाता है, पितरों को तर्पण किया जाता है, गायत्री का जप किया जाता है, ये सब उसके अंग है, प्राणायाम किया जाता है। उसमें जो शेष जल होता है उसमें पाप निवृत्त हो जाते हैं, इसलिए उसको संध्या के शेष जल को फेंक दिया जाता है, अन्यथा वो स्वान के मूत्र के समान अपवित्र होता है। तो खैर जाओ अब तुम संध्या करो। अब संध्या क्या करें, न तर्पण, न आचमन, न संकल्प। संकल्प के लिए तो जल चाहिए हाथ में, दोनों ही हाथ तो नहीं है, लेकिन गुरु भाई ने आज्ञा दी तो गया। तो जैसे ही मन में संकल्प करके कि गुरु भाई ने कहा, हाथ में जैसे ही संकल्प किया कि हम आचमन करें और संकल्प करें, वैसे उसके दोनों हाथ उगाए। अब इधर देखता है, उत्साह तो बहुत हुआ, लेकिन अब गुरु भाई की आज्ञा का पालन पहले किया। प्रणाम कोई होता है भाग के दौड़ गए, गुरु भाई आपने क्या कर दिया, लेकिन उसने पहले संध्या की, गुरु भाई की आज्ञा का पालन किया और फिर लौट के जाके गुरु भाई को साष्टांग प्रणाम किया। गुरु भाई ने कहा, आओ। तो गुरु भाई, अगर आपको ये दोनों हाथ हमको देने ही थे तो आपने ये हमारे हाथ कटवाए क्यों? कहा, हमने कटवाए नहीं, तुम्हारे पाप के प्रायश्चित के रूप में जो तुमको दंड मिला
उसके अनुसार तुम्हारे हाथ काटे गए थे। अब तुम पवित्र हो गए, उस पाप से निवृत्त हो गए। इसके बाद हम अपनी, ये हमारी सामर्थ्य है कि हम आपके ऊपर अनुग्रह करके अपनी तपस्या कुछ भाग दे करके और आपको, तो ये हमने उस तरह सेवा कर दी। तो धर्म का कितना सुख में राजा का कर्तव्य है। राजा अगर दंडित व्यक्ति को दंड नहीं देता है तो प्रत्यवाय का भागी है, और जानबूझ करके अगर पापी नहीं है और उसको दंड देता तो प्रत्यवाय होता है। राजा को बहुत सावधान रहना। पिछले राजा में सभा में इतने बड़े बड़े विद्वान और संतों को रखा जाता था कि उनसे सलाह लेता, भाई अब ऐसे अवस्था में हमारा क्या कर्तव्य है। तो वो लोग उचित सलाह, बड़ा गंभीर कर्तव्य राजा। तो राजा का उत्तरदायित्व तो बहुत महान है। राष्ट्र में विप्लव न हो, राष्ट्र में धर्म की मर्यादा रहे। हमारे यहां उपनिषदों में ऐसे ऐसे राजाओं का वर्णन है जिनके राज्य में प्रजा सर्वथा धर्म का पालन करती है। उपनिषद में घटना आती है, वर्णन है कि पांच महापुरुष एक राजा के यहां गए थे, उनसे परम तत्व विषय जिज्ञासा लेकर के। तो राजा के यहां यज्ञ चल रहा था। राजा ने ऐसे दिव्य संतों को देख के निमंत्रण किया, आप आए हो, आप विराजो, आपका हम सम्मान करेंगे, जो ऋतुजों को दक्षिणा मिलेगी वही दक्षिणा हम आपको देंगे। तो ये तो आए थे उसके पास शिक्षा लेने के लिए, दक्षिणा की बात चलने लगी, हमको दक्षिणा के लिए थोड़ा है। तो उनका मां कुछ उतर गया कि हम आए थे हरिभजन, कोई होटल लगे का पास होने जा रहा है। राजा ने सोचा, ये चिंतित या दुखी हो गए कि राजाओं का दान बड़ा गंभीर होता है। अब मैं सब नामों को कहूंगा नहीं सभा में, जिनको इच्छा होगी, संतों को खासतौर से ब्राह्मणों को अगर जिज्ञासा होगी तो हमसे, या महाराज जी भी शास्त्रज्ञ हैं, बड़े मर्मज्ञ हैं, किनका किनका परिग्रह बड़ा गंभीर होता है, बहुत गंभीर होता है। वो नाम मैं नहीं लूंगा सभा में, किसी किसी को पीड़ा भी हो सकती है। जिनको जिज्ञासा होगी परिग्रह के, उनको बताया जा सकता है। तो उसमें एक राजा का भी है, क्योंकि राजा का दान, राजा का परिग्रह बड़ा गंभीर इसलिए होता है कि उसके पास किसी को दंड दे के, किसी को कैसे कैसे लेकर के पैसा आता है, बड़े दुखी होके लोग देते हैं, तो उसका परिणाम फिर उससे दान लेने वाले को भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए राजा का दान प्रायः संत लोग कोशिश करते हैं कि न दे, और भी कुछ लोग हैं उनके भी गणकांडम गणिकांडम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो राजा ने सोचा कि तो हमारा धन ये नहीं लेना चाहते अपरिग्रही ब्राह्मण। तो उसने कहा, महाराज आप संकोच न करें, ये बात हमको पढ़ करके भी आश्चर्य था। जब पहली पहली बार हमने श्रवण किया था, राजा बड़ी छाती पे हाथ धर के कहता है, नमस्ते नो जनपदे न कदरियो न मद्यपा ना नाध्यायी ना विद्वान ना स्वैरा स्वैरणी कथा। लंबी व्याख्या है। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। नमस्ते नो जनपदे, चोर की व्याख्या जरा विशद है। जो अपने अधिकार की वस्तु नहीं उसको ले लेना भी चोरी है। कदरियो, कदरियो माने खाली कायर पर नहीं है, अपने कर्तव्य से च्युत होना, कर्तव्य का पालन न करना, यह भी कदर्य कहलाता है। इसी तरह सब व्याख्याएं हैं। हमारे यहां ऐसा कोई नहीं है जो अनाध्यायी हो। सबके सब जिनको अधिकार है वो सबके सब अग्निहोत्र करते हैं। हर व्यक्ति अपने लिए कहना आज कठिन है। राजा छाती ठोक कहता, नमेश तेनो जनपदे, मेरे पूरे राज्य में नहीं है। हमारे यहां कोई
पर स्त्री गामी पुरुष नहीं है तो पर पुरुष गामी स्त्रियां कहां से होंगी जब पुरुष ही नहीं है। तो ये इस प्रकार के उद्गार एक राजा कह सकता है जो धर्म भीरू है, धर्म का नियंत्रण करता है। तो ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। राजा वेन उससे च्युत हो रहा है, इसलिए वो संत महापुरुष महा अपने कर्तव्य के पालन की दृष्टि से न करने से प्रत्यवाय होगा, इसलिए कम से कम कहना और यथा सामर्थ्य है तो राजा को भी जो धर्म दंड है, इस दृष्टि से धर्म दंड होने के कारण वेद की विधि का पालन करते हुए महापुरुषों ने उसको दंड दिया और भस्म हो जाओ इत्यादि प्रकार का जो श्राप दिया, ये भी उनका क्रोध नहीं है, ये वेद की विधि है। धर्म दंडोसी, जो धर्माचार्य हैं उनके द्वारा राजा को दंड दिया जाना चाहिए, ये विधि है। तो ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य विषयों का गान श्रीमद् भागवत में बड़े विशद रूप से किया गया है। बड़ी प्रसन्नता है हमको पूज्य द्वाराचार्य जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर जी संतों के इतने कृपा पात्र हैं कि उनके पढ़े हुए शास्त्र बड़े फल फूल रहे हैं, क्योंकि गुरु शुश्रूषया विद्या आती है और कोई जो दो विकल्प दिए हैं वो भी गुरु शुश्रूषा से ही आधारित ही है। तो गुरु शुश्रूषा पूर्वक आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, संतों के प्रति इतना आदर है, शास्त्रों के प्रति इतना आदर है, उनके मुख से इस प्रकार से श्लोकबद्ध भागवत के प्रवचन की श्रृंखला चल रही है, ये अद्भुत है। बाबा के निर्देश से ये स्थापित सूर्यश्याम गौशाला, इसका वार्षिक उत्सव उसके उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत का आयोजन, निश्चित रूप से गौ माता की सेवा तो है ही, गौ सेवकों की सेवा तो है ही, लेकिन इस क्षेत्र के जो भी जन यहाँ आए हैं उनके लिए भी बहुत उपकारी होगा गौ माता की सेवा करके। और गौ माने विद्या भी है, शास्त्र भी हैं, उनकी सेवा करके आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त करें, इसी कामना पूर्वक पूज्य बाबा जी महाराज के चरणों में, गौ माता के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, श्रीमद् भागवत और व्यास जी के चरणों में, समस्त संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सबकी कल्याण की कामना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री श्री रमण बिहारी लाल की जय। महाराज जी के हाथों आपको हस्तगत होगा, उसका विमोचन और लोकार्पण होना है और मैं शीघ्रातिशीघ्र जो मेरे पास सूची है उसको पढ़ देता हूँ और सबसे विनम्र अनुरोध है कि वो शीघ्रातिशीघ्र मंच पे आ जाएं। पूज्य श्री कन्हैया बाबा और मनोरथी दंपति श्री रश्मि भाई जी और रेखा बहन श्री कौशिक जी, हरिबाबू कौशिक जी जो सारंगी पे हैं, श्री रमेश चंद शर्मा महामंत्री जी, श्री माधवदास मिश्रा जी कोषाध्यक्ष, देवेंद्र कौशिक जी प्रबंधक जी, दिनेश कौशिक उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, श्री रामलखन शर्मा राम कनिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री उपेंद्र जी भारद्वाज और श्री हर्षरूप शर्मा जी पूर्व महामंत्री, शीघ्र अविलंब मंच पर उपस्थित हों ऐसी प्रार्थना है जिससे समय का सदुपयोग हो। श्री उपेंद्र जी भारद्वाज जी विमोचन पूज्य महाराज जी के कर कमलों से हुआ है और अभी भी हमें यह पुनः सौभाग्य प्राप्त है कि महाराज जी का दोनों महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त है और वह सब शीघ्रातिशीघ्र जिनको मैंने नाम उच्चारण किया है वो शीघ्रातिशीघ्र मंच पर पधारें। पत्रिका में विशेष सहयोग होता है।
यहाँ भी हरिनाम प्रेस के प्रतिनिधि डॉक्टर भागवत कृष्ण नागिया उपस्थित हैं। महाराज जी का उधर ले पहले वहां फोटो ले। की शोभा बढ़ा रहा है इसका मुद्रण। चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कली मल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमहौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुदान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की।